नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। पहला पेश ने चुनवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 सालों के शासन काल दौरान उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई कसर बाकी नहीं छड़ी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तो स्लोवाकिया ते चेक गणराज के 5 दिन दौरे ते रवाना हो रहे ने। देश विच कोविड रोकू टीकाकरण मुहिम ने 193.70 करोड़ टीका खुराकां देण दा अंकड़ा पार किया। पंजाब हुनर विकास मिशन वल्लों नौजवानों नूं रोजगार अते करियर दे मौके मुहैया करवाउण लई करियर टॉक विषय ते कॉन्फ्रेंस दा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व मुक्केबाजी विच तमगे जितने वालियां भारतीय मुक्केबाजां नूं मिलके दित्ती बधाई। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 सालों के शासन काल दौरान उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई कसर बाकी नहीं छड़ी है। अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं की अगुवाई में विकास कार्य शुरू तो ही सरकार की मुख्य तरजीह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे नतीजे वजो देश दी करोड़ों मातावां भैणां धीआं दी जिंदगी आसान हुई है ते वो देश की तरक्की विच योगदान पा रही ने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने सरकार वालों मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, टूटी वाला पानी, गैस कनैक्शन, घरों में पखाने, अदायगी योग जनेपे की छुट्टी और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 2.73 करोड़ खातों को खोलिया जाना सरकार के अजिहे मुख्य कार्य रहे हैं जिन्हों महिलाओं की जिंदगी में वड्डा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के सिद्धांतों संचालित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कारोबारियों को वधेरे लाभ हुए हैं जो विशेष तौर पर नौजवानों को फायदा पहुँचाते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तो स्लोवाकिया ते चेक गणराज के 5 दिन दौरे ते रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वह स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हैगर नाल मुलाकात करेंगे अते उत्थों दे अपने हमौदा इवान कोरोकोक नाल दुवली गलबात भी करेंगे। जयशंकर ग्लोबसैक 2022 फोरम विच भी हिस्सा लेंगे अते इंडो पैसिफिक खेत्र विच सहयोग विषय ते मुख भाषण भी देंगे। चेक गणराज की अपनी यात्रा दौरान विदेश मंत्री उत्थों दे अपने हमौदा जन लिप बस्की नाल दुवल्ले सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे। अपने 5 दिन दौरे दौरान वह दोहां देशों विच भारतीय भाईचारे के लोगों नाल भी गलबात करेंगे। पोस्ट ग्रैजुएट मैडिकल दाखला प्रीख्या नीट पीजी 2022 के नतीजे ऐलान दिए गए हैं। नैशनल बोर्ड ऑफ एग्जामीनेशन इन मैडिकल साइंसिज NBEMS ने इस प्रीख्या के नतीजे 10 दिन के अंदर रिकॉर्ड समय के ऐलाने ने। केंद्रीय सेहत परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने 10 दिन के रिकॉर्ड समय में नतीजे ऐलानन लई बोर्ड की शलाघा की है। इस प्रीख्या का आयोजन देश भर के 849 केंद्रों में किया गया सी। यह प्रीख्या 21 मई को ली गई सी जिस विच कुल 182,318 उम्मीदवार ने हिस्सा लिया। मांडविया ने नीट पीजी प्रीख्या क्वालीफाई करने वाले विद्यार्थियों को वधाई दी है। कोविड 19 महामारी की रोकथाम लई भारत में शुरू की गई देशव्यापी टीकाकरण मुहिम ने 193.70 करोड़ टीका खुराकों देने का अंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने दसिया कि हुण तक 193.70 करोड़ 51,000 तो वध कोविड रोकू खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। खुराकां देने का यह काम 2,46,20,654 सैशनां राहीं उपलब्ध होया है। 12 से 14 साल की उम्र समूह के 3,41,00,000 तो वध बच्चों नूं कोविड 19 की पहली खुराक दी जा चुकी है। देश में बीते 24 घंटे दौरान कोरोना के 3,712 नवे मामले दर्ज किए गए हैं तो इस वेले एक्टिव मामलों की कुल गिणती 19,509 है। इस दौरान बीते 24 घंटे 2,584 मरीज सेहतयाब हुए हैं। हुण तक 4,26,20,394 मरीज कोरोना मुक्त हो चुके हैं। सेहतयाबी की मौजूदा दर 98.74% है। पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले की जांच को होर तेज़ करने लई पहला तो बनाई गई 3 मैंबरी विशेष जांच टीम सिट नूं वधा के 6 मैंबरी कर दिता गया है। पंजाब के DGP VK भावरा ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के
एडीजीपी प्रमोद बांध की निगरानी हेठ विशेष जांच टीम यानी कि सिट का पुनर्गठन किया है। नवी बनाई गई 6 मैंबरी सिट का मुखी पीएपी के इंस्पैक्टर जनरल जसकरण सिंह बनाया गया है। जिन्हां 2 होर नवे मैंबर टीम दे विच लिया गया है उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के सहायक इंस्पैक्टर जनरल गुरमीत सिंह चौहान और मानसा के SSP गौरव तूरा शामिल ने। इस तों पहलां बनाई गई 3 मैंबरी सिट विच मानसा के SP इनवैसटीगेशन धर्मवीर सिंह, बठिंडा के DSP इनवैसटीगेशन विश्वजीत सिंह, CIA स्टाफ मानसा के इंचार्ज प्रतिपाल सिंह शामिल किए गए सन। DGP पावरा ने कहा कि सिट रोजाना के आधार पर मामले की जांच करेगी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या लई जिम्मेवार लोगों जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान सूबे में पैदा हुई कानून प्रबंध की स्थिति के मद्देनज़र सियासी नेतावां और धार्मिक डेरिया के मुखिया ने अपनी सुरक्षा बधाए जाने लई सरकार नूं अर्जियां देनिया शुरू कर दित्तियां ने। पुलिस सूत्रों अनुसार सिद्धू की हत्या तो बाद 100 तो वध व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा बहाल करने लई अर्जियां दित्तियां ने। जिक्रयोग है कि सरकार ने 3 दिन पहला सूबे के 424 व्यक्तियों की सुरक्षा वापस ले ली सी। पंजाब हुनर विकास मिशन वालों वक्-वक् खेत्रां विच रोज़गार अते करियर दे मौकियां बारे पहलकदमी करियर टॉक विषय ते कल चंडीगढ़ विच इक समागम दा आयोजन कीता गया। रोज़गार उत्पत्ति हुनर विकास अते सिखलाई विभाग दी डायरेक्टर जनरल दीप्ती उप्पल ने इस मौके दस्सिया कि समागम दा उद्देश वक्-वक् खेत्रां दे माहरां दी सलाह नाल पंजाब दे नौजवानां नूं कॉल सेंटरां अते BPO इंडस्ट्री विच अपना करियर बनाउण अते रोज़गार दे मौकियां विच वाधा करन लई सहायता देणा है। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर और BPO इंडस्ट्री में 10वीं तो लैके ग्रैजुएट की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार अपना करियर बना सकते हैं। इस समागम में पंजाब के 23 जिला रोजगार और उद्यम ब्यूरो पॉलीटेक्निक संस्थावां और कॉलेजों के अलावा तकरीबन 4000 उम्मीदवार ने फेसबुक लाइव सैशन में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में एक निजी कार के अंदर धमाका होने नाल भारतीय फौज के 3 जवान जख्मी हो गए। कश्मीर पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है पर अजे तक यह पता नहीं लग सकया कि यह धमाका किस ढंग नाल किया गया है। पुलिस सूत्रों मुताबिक जिस कार में धमाका होया है उसनू भारतीय फौज वालों किराए पर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस गल ते खदशा जाहिर किया है कि कार में पहला तो ही कोई धमाका खेज समगरी प्लांट कर दी गई सी। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने दसिया कि धमाके की जांच की जा रही है। जख्मी जवानों को इलाज लिए हस्पताल दाखिल करवाया गया है। तुर्की की राजधानी इस्तानबुल विच हुई महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2022 तमगे जितने वाली भारत की महिला मुक्केबाजा निकत जरीन, मनीषा मौन ते परवीन हुडा नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उन्होंने शानदार कामयाबी ते वधाई दी। निकत जरीन ने इस मुकाबलेबाजी विच सोन तमगा जीतया सी जबकि मौन अते हुडा ने अपने अपने पार वर्ग मुकाबले विच कांसे दे तमगे जीते सन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्हां महिला मुक्केबाजा ने देश दा ना सिर्फ नाम उच्चा किया बल्कि मुक्केबाजी की खेड नूं भी उत्साहित किया है। मोदी ने उन्हां नूं भविख दे यतनां लई शुभकामनावां भी दित्तियां। पंजाब दे लोकां नूं आउंदे एतवार तक गर्मी दे प्रकोप तों राहत मिलण दी कोई संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ दफ्तर अनुसार अगले 2 दिन दौरान सूबे में वध तो वध तापमान 2 डिग्री सैलसीयस का होर वाधा होने की संभावना है। बीते दिन पंजाब के कई शहरों में दिन का वध तो वध तापमान 40.2 तो 46.4 डिग्री सैलसीयस विचाले रहा। बठिंडा शहर 46.4 डिग्री सैलसीयस नाल सूबे का सब तो वध गर्म और 40.2 डिग्री सैलसीयस तापमान नाल गुरदासपुर सब तो घट गर्म शहर रहा है। जलंधर विच दिन का तापमान 42.1 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया जबकि घट्टो घट तापमान 22.1 डिग्री रहा जो बीते दिन नालों 1.4 डिग्री घट सी। इस तरह पटियाला की गल करिए वध तो वध तापमान 45.3, लुधियाना के समराला 45.6, बरनला 43.5, रोपड़ 42.5, फिरोजपुर 44.4 डिग्री सैलसीयस रहा। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNUDDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चुनवीं खबर एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 साल के शासन काल दौरान उन्होंने सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तो स्लोवाकिया ते चेक गणराज के 5 दिन दौरे ते रवाना हो रहे ने। द
देश विच कोविड रोकू टीकाकरण मुहिम ने 193 करोड़ 70 लाख टीका खुराकां देण दा अंकड़ा पार किया। पंजाब हुनर विकास मिशन वालों नौजवानों नूं रोजगार ते करियर दे मौके मुहैया कराउण लई करियर टॉक विषय ते कॉन्फ्रेंस दा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व मुक्केबाजी विच तमगे जीतण वालियां भारतीय मुक्केबाजां नूं मिलके दित्ती वधाई। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हाँ, बाहर जाण वेले तुसी भी मास्क लगा के जाओ। इजाजत दिओ, नमस्कार।